सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम ने पैरोल के लिए जहां कोर्ट में अर्जी दी है, तो वहीं सूत्रों की जानकारी के अनुसार राम रहीम से उसके वकील ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में पैरोल पर चर्चा हुई। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर प्रशासन को निर्णय लेना अभी बाकी है। उससे पहले सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम से उनके वकील ने मुलाकात की है। रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचे वकील ने राम रहीम से करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। इस मुलाकात में राम रहीम की पैरोल के मामले को लेकर चर्चा हुई। वहीं जानकारी के अनुसार वकील की मुलाकात के बाद पुलिस ने जेल के आसपास फिर से चौकसी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख ने इस बार पुलिस के सामने पैरोल का आवेदन दिया है। वो सिरसा में अपने डेरे में खेती करना चाहता है, लेकिन राम रहीम के लिए जेल की चार दीवारी से बाहर कदम रखना इतना आसान नहीं है, खासकर उस वक्त जब उसका अतीत ही उसके भविष्य के खिलाफ खड़ा हो। हालांकि जेल अधिकारियों को नहीं लगता कि राम रहीम का आपराधिक रिकॉर्ड कुछ ज्यादा खराब है, तभी तो राम रहीम की पैरोल पर राय मांगने के लिए सिरसा उपायुक्त को दो पत्र लिखे हैं। उसमें कहा गया है कि राम रहीम का जेल में आचरण बढ़िया है और ना ही वो हार्डकोर क्रिमिनल है। अब हार्डकोर क्रिमिनल की परिभाषा आपकी और हमारी अलग हो सकती है, लेकिन कानून में जो हार्डकोर क्रिमिनल की परिभाषा लिखी गई है उसके लिहाज से राम रहीम वाकई इस श्रेणी में नहीं आता। बहरहाल अब देखना होगा कि राम रहीम को पैरोल मिल पाती है या नहीं, या आने वाला समय ही बताएगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।